तो हे गाइस वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एस के टॉप 50 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन के बारे में। और हाँ, एक और बात, इसमें मैं गलारीजन के पोकेमोन नहीं इंक्लूड करूंगा, क्योंकि यार गलारीजन के पोकेमोन का अभी तक हमें फुल पोटेंशियल देखने को नहीं मिला है, एंड उन्होंने ज्यादा बैटल्स भी नहीं किए जिससे हम उनको अच्छे से रैंक कर पाए। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूंगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जरूर दबाना एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। बस लिस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, कोई ऑफिशियल लिस्ट नहीं है। तो आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, या फिर आपका कोई फेवरेट पोकेमोन थोड़ा नीचे आ सकता है, तो आप कमेंट में बता देना यार, कोई भी ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। नंबर 50 अनफिजेंट। तो यार रीजनल बर्ड पोकेमोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर यार ये बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये यूनोवा रीजन के एस के टीम के सबसे वीक पोकेमोन था, एंड सारे रीजनल बर्ड में एस के ये सबसे वीक था। नंबर 49 पालपिटोड। पालपिटोड एक बहुत ही ज्यादा वीक पोकेमोन था, पर ये अनफिजेंट से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तो था ही, जिससे हम इसे 49 नंबर पे रैंक कर सके। नंबर 48 बोल्डोर। तो बोल्डोर एक बहुत ज्यादा वीक पोकेमोन था, एंड हालांकि ये इवॉल्व हो गया था इसलिए इसको थोड़ा ऊपर मैंने रैंक किया। अगर ये इवॉल्व नहीं हुआ होता तो ये 50 नंबर पे आता, एंड अगर ये एक और बार इवॉल्व हो जाता, मतलब गीगालिथ में इवॉल्व हो जाता, तो थोड़ा आगे मैं इसे रैंक कर सकता था, पर स्टिल ये इवॉल्व नहीं हुआ। नंबर 47 रेटिकेट। तो रेटिकेट को जैसे ही इसने ट्रेड किया था अपने बटरफ्ली के साथ, उसके थोड़े टाइम बाद ही उसने वापस से उसको ट्रेड कर दिया था। मतलब एस के साथ रेटिकेट इवन एक एपिसोड के लिए भी नहीं रहा था। हालांकि रेटिकेट स्ट्रॉन्ग था एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता था, पर स्टिल अब एस के पास रेटिकेट बहुत ही कम टाइम के लिए था, तो अब इसे और ऊपर रैंक नहीं कर सकते थे। नंबर 46 एपोम। तो एपोम एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन तो नहीं था, पर एक एंटरटेनमेंट पोकेमोन जरूर था, एंड बाद में एपोम को एस ने ट्रेड भी कर लिया था डॉन के साथ, क्योंकि उसे स्टेज पे परफॉर्मेंस करना ज्यादा पसंद था एज कम्पेयर टू बैटल्स। नंबर 45 ओशोवॉट। तो ओशोवॉट एक एंटरटेनिंग पोकेमोन था एंड ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था। अगर ये इवॉल्व हो जाता तो मैं शायद इसको और आगे रख पाता, पर यूनिवर्सल के ज्यादातर पोकेमोन इवॉल्व नहीं हुए थे एंड बहुत ज्यादा वीक थे, तो ऐसे ही ओशोवॉट भी था। नंबर 44 स्क्रैगी एक और यूनोवा रीजन का पोकेमोन, बट ये एस को एग में से मिला था एंड ये इवॉल्व भी नहीं हुआ था। नंबर 43 पिगनाइट। तो पिगनाइट एक यूनोवा रीजन का पोकेमोन था, पर ये और सबसे अलग था, क्योंकि ये इवॉल्व तो हो गया था, बट स्टिल इसमें उतना ज्यादा पावर नहीं थी कि मैं इसको और आगे रैंक कर पाता। नंबर 43 टॉरस। तो टॉरस एस के पास 30 थे, पर उसमें से एक टॉरस के बारे में हम बात करें, जो कि ऑरेंज लीग में रिटर्न आया था एंड इसने बहुत ही ज्यादा धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी, पर जैसा उसने ऑरेंज लीग में परफॉर्म किया था उसने आगे जाके ऐसा परफॉर्म नहीं किया, वरना ये बहुत ही ज्यादा ऊपर आता, एंड इसमें टॉरस की भी कोई गलती नहीं थी, एस ने इसे ट्रेन भी नहीं किया था। नंबर 41 टॉरकोल। तो टॉरकोल एक ठीक ठाक पोकेमोन था, पर यार ये ज्यादातर रोता ही रहता था, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल पोकेमोन था। नंबर 40 बटरफ्ली। तो एस का सबसे पहला पोकेमोन था जो कि एस ने अपने पोकेबॉल से कैच किया था, एंड ये बहुत ही अच्छा पोकेमोन था, बट एस ने एट लास्ट इसको लीव कर दिया था कुछ रीजंस की वजह से, एंड जब एस ने इसको लीव किया था तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल मूवमेंट था यार, सही में आंखों से पानी आ गए थे। नंबर 39 पिजियोटो। हम इसे ऐसा पिजियोटो माने तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जैसे ये इवॉल्व होता उसी पर्टिकुलर एपिसोड में एस ने इसको लीव कर दिया था, मतलब जब ये स्ट्रॉन्ग बन चुका था एंड ये आगे जाने का कोशिश करने वाला था तभी एस ने इसको लीव कर दिया, बट एस ने बोला था मैं आगे तुमसे मिलने आऊंगा, पर अभी तक वो आया नहीं, तो देखते आगे क्या होता है। नंबर 38 टॉर्टेरा। तो एस ने टॉर्टेरा को टर्टविक के फॉर्म में पकड़ा था, एंड जब वो टर्टविक फॉर्म में था तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, एंड ऐसा लगता जब वो इवॉल्व होगा तो वो एस का वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन बनेगा, पर यार इसका उल्टा ही हुआ, जैसे ही वो इवॉल्व होता गया वैसे यार बहुत ज्यादा वीक हो गया वो। अब आई डोंट नो यार ये क्या था, पर स्टिल यार ये वीक होते गया जैसे इवॉल्व हुआ, तो इसलिए मैंने इसको 38 नंबर पर रैंक किया है। नंबर 37 स्नाइवी। तो स्नाइवी एक ठीक ठाक पोकेमोन था यूनोवा रीजन को देखते हुए, क्योंकि यूनोवा रीजन में यार एस के पोकेमोन ने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया था। नंबर 36 लिवानी। तो ये भी एक ठीक ठाक पोकेमोन था यूनोवा रीजन को देखते हुए, जैसे कि मैंने पहले बोला था। नंबर 35 राउलेट। तो राउलेट एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था, पर अगर ये इवॉल्व हो जाता तो ये एस के वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन में से एक बन सकता था, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड इसने अपने एकदम लास्ट एवोल्यूशन को भी हरा रखा है। नंबर 34 टोटोडाइल। तो टोटोडाइल भी एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन था, पर वो इवॉल्व नहीं हुआ था एंड ये बहुत ज्यादा एक्टिव पोकेमोन था एंड बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी था। नंबर 33 लैप्रेस। तो लैप्रेस एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन जरूर था, पर वो एज कम्पेयर टू अदर लैप्रेस वो छोटा था, बट फिर भी लैप्रेस ने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी थी ऑरेंज आइसलैंड में। नंबर 32 बेलीफ। तो बेलीफ एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन तो थी, पर एस को ये बहुत ज्यादा पसंद करती थी एंड कुछ टाइम तो एस इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था। नंबर 31 क्यूलावा। तो इसको एस ने जोटो रीजन में पकड़ा था एंड ये जोटो रीजन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, पर अब मुझे नहीं पता ये क्यों आ गया सिनो रीजन में इवॉल्व हुआ, एंड इवॉल्व होने के बाद हमें ये दिखाया ही नहीं गया, मतलब क्या ही लॉजिक था यार ये। नंबर 30 ग्लास्कोर। तो ग्लास्कोर मुझे बहुत ज्यादा पसंद था एंड इसने अच्छा खासा परफॉर्म भी किया ही था, पर ये कुछ और ग्लास्कोर से अलग था, बट इसने पॉल के सामने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी।
नंबर 29 मग, तो मग को भी एस ने कुछ ट्रेनिंग नहीं दी थी, पर फिर भी एक जंगली पोकेमोन को तौर पे वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। एंड सबसे ज्यादा मेरे को अच्छी बैटल उसकी लगी थी बेलस्प्राउट के सामने, जहाँ पे बेलस्प्राउट सबको हराते जाता, पर यार मग ने तो उसकी हालत ही टाइट कर दी थी। नंबर 28 किंगला, तो किंगला ने एक बहुत ही ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इंडिगो लीग में, एंड इसने इंडिगो लीग के वेरी फर्स्ट बैटल में तीनों पोकेमोन हरा दिए थे सामने के अपोनेंट के, तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था उस टाइम, पर उसके बाद इसने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी थी। एंड हाँ, ये मिस्टी के साइड एक से भी हार गया था। नंबर 27 ब्यूजल, तो ब्यूजल को भी एस ने ट्रेड किया था अपने एपोम के साथ, पर ये एस के साथ बहुत ही अच्छा टाइम बिताया था एंड ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी था। तो अगर बात करें नंबर 26 की, तो नंबर 26 पे आता है कॉरफिश, तो कॉरफिश भी एस का बहुत अच्छा पोकेमॉन था एंड इसने कुछ कुछ बैटल्स तो एस को एकदम इम्पॉसिबल सी जिताई थी। नंबर 25 नॉकटॉल, तो नॉकटॉल एस का इकलौता शाइनी पोकेमॉन था एंड इसका जो शाइनी कलर था बहुत ही ज्यादा मस्त था, जो कि गोल्डन कलर था एंड सीरियसली ये बहुत ज्यादा सुंदर दिखता था, एंड सिर्फ ये सुंदर ही नहीं दिखता था, इसने परफॉर्मेंस भी एकदम कमाल की थी। नंबर 24 स्वेलो, तो स्वेलो एस का एक कमाल का पोकेमॉन था जिसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी होइन रीजन में। नंबर 23 प्राइमेप, तो प्राइमेप एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था एंड ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद था एंड शायद से एक P1 चैंपियनशिप थी जिसमें इसने यार एस को जिता भी दिया था पूरे मैचेस, एंड उसी चैंपियनशिप के दौरान ये एस की बात भी मानने लगा था। एंड सीरियसली अगर ये और मैचेस के लिए अपीयर होता, मतलब एस इसे लीव नहीं करता, मतलब ट्रेनिंग करने के लिए नहीं छोड़ता, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर आ सकता था क्योंकि ये और प्राइमेप से बहुत ही अलग था एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, बट स्टिल अभी तक प्राइमेप आया नहीं है ट्रेनिंग से। नंबर 22 स्टार रैप्टर, तो स्टार रैप्टर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था एंड इसके कूलनेस एंड डिज़ाइन को जैसे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगे थे एंड इसने परफॉर्मेंस भी कुछ अच्छी ही दी थी। नंबर 21 गीबल, तो गीबल को एस ने कुछ सीनो रीजन के आखिर के एपिसोड में पकड़ा था जिसकी वजह से इसको ट्रेनिंग नहीं मिली, ना ही इवॉल्व होने का मौका मिला, ना ही ज़्यादा मैचेस लड़ने का मौका मिला, एंड अभी चांसेस बन रहे कि गला रीजन में आए और इवॉल्व हो जाए, एंड ये अगर इवॉल्व हुआ तो बहुत ज़्यादा ऊपर ये डिजर्व करेगा क्योंकि गार्शो में एक बहुत ज़्यादा फैन फेवरेट पोकेमॉन एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, इसकी पावर तो अलग ही लेवल पे है। नंबर 28 डॉन फैन, तो आपको पता होगा एस को एक एग मिला जो कि एक ब्लू कलर का एग था एंड उसके अंदर से फैन पिन निकला था एंड बाद में जाके वो इवॉल्व हो गया था डॉन फैन में, एंड जब वो डॉन फैन में इवॉल्व हुआ था तो उसकी पावर तो अलग ही लेवल पे थी, मैं तो उसका फैन ही बन गया था एंड जी हाँ वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए मैंने इसको नंबर 20 पे रैंक किया है। नंबर 19 नॉइवन, तो नॉइवन इस लिस्ट का सबसे पहला कालो सीजन का पोकेमॉन है एंड हो भी क्यों ना, कालो सीजन इतना ज्यादा कूल था कि इसको नीचे रैंक करने लायक ही नहीं था एंड सीरियसली नॉइवन भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था, पर अब क्या बोलूं यार, कालो सीजन की पूरी टीम ही स्ट्रॉन्ग थी, तब इसको कहाँ रैंक करता मेरे को ही नहीं पता था। नंबर 18 ग्लेली, तो ग्लेली एक बहुत ही ज्यादा यूजलेस एंड बहुत ही ज्यादा वीक पोकेमॉन था अनलेस एंड अंटिल वो इवॉल्व नहीं हुआ था, जब वो इवॉल्व हो गया तो उसने एकदम धमाका मजाक के रख दिया था एंड सीरियसली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। नंबर 17 टैलोनफ्लेम, एक और कालो सीजन का पोकेमॉन जो कि एकदम तबाहीदार था एंड पर्सनली मुझे ये भी बहुत ज्यादा पसंद है एंड इसकी टाइपिंग बहुत ज्यादा यूनिक थी जो कि थी फ्लाइंग एंड फायर टाइप एंड ये बहुत ही कम पोकेमॉन में पाई जाती है। नंबर 16 हाउलुचा, एक और कालो सीजन का पोकेमॉन एंड कालो सीजन के पोकेमॉन इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि वो आगे आना डिजर्व करते थे एंड हाउलुचा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। नंबर 15 नागा नांडेल, तो अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो सॉरी, एंड ये एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन था जो कि सिर्फ कमबैक किया था एक ही एपिसोड के लिए, मतलब एक ही बैटल के वो कमबैक किया था एंड उसने बहुत ही अच्छी लड़ी थी वो बैटल। नंबर 14 स्कॉटल, तो स्कॉटल हालांकि फर्स्ट स्टेज पे ही था पर ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इसको अगर आगे रैंक नहीं करता तो यार एकदम से हल्ला मच जाता एंड रियली ये बहुत ज्यादा कूल पोकेमॉन था एंड इसने बहुत अच्छी बैटल्स भी लड़ी थी। नंबर 13 बल्बसौर, तो इसकी बात ही अलग है, ये पिकाचू के बाद एक ऐसा पोकेमॉन जो कि बहुत ज्यादा एपिसोड में अपीयर हुआ है एंड फर्स्ट नंबर पे पिकाचू आता है एंड ये भी मेरा पर्सनल फेवरेट पोकेमॉन है। नंबर 12 हेराक्रॉस, तो इस पोकेमॉन की भी बात अलग ही थी, ये बहुत ही ज्यादा कूल पोकेमॉन था एंड मेरे ख्याल से ये अंडररेटेड पोकेमॉन था, ये बहुत ही ज्यादा कूल था एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था पर मेरे को नहीं पता लोग इसको क्यों नहीं पसंद करते थे। नंबर 11 इंसिनेरॉर, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था पर जब ये इवॉल्व हुआ उसके बाद इसने एक भी बैटल नहीं लड़ी थी, वरना ये और भी ज्यादा आगे होने का डिजर्व करता था क्योंकि रियली एक बहुत ज्यादा कूल एंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था एंड इसने अपने टोराकैट फॉर्म में ही एक इंसिनेरॉर को हरा दिया था जो कि इसका एवोल्यूशन ही था एंड उसी मैच में सरप्राइजिंगली ये इवॉल्व भी हो गया था। नंबर 10 मेलमेटल, इकलौता है इसका मिथिकल पोकेमॉन पर इसने ज्यादा बैटल्स नहीं की थी, दैट्स व्हाई ये ज्यादा ऊपर नहीं आ पाया, पर यार ऐसा मिथिकल पोकेमॉन इसको ज्यादा ऊपर तो रखना ही था एंड इसने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी की थी। नंबर 9 लाइकनरॉक, तो एश का लाइकनरॉक एक डस्क लाइकनरॉक था जो कि बहुत ज्यादा रेयर पोकेमॉन है एंड अगर ये अलोला रीजन में नहीं होता तो आप सोच ही सकते हो कि एश शायद ही चैंपियन बन सकता था क्योंकि इसी ने फाइनल ब्लो दी थी एंड यही जिताया था एश को अलोला रीजन, तो इसको ज्यादा क्रेडिट देना चाहिए एंड ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है एश का अलोला रीजन का।
नंबर 8 गुडरा। तो अभी तक तो यह इसका इकलौता सूडो लेजेंडरी पोकेमोन था, पर अब इसने ड्रैगनाइट भी पकड़ लिया। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पोकेमोन जर्नीस में इसने ड्रैगनाइट पकड़ा है एंड इसके विन परसेंटेज 100% है, तो आप सोच ही सकते हो कितना स्ट्रांग था ये। नंबर 7 पिकाचू, हमारा फेवरेट, आपका फेवरेट, एस का फेवरेट पिकाचू। अब इसके बारे में क्या ही कहूँ यार, ये एक लेजेंडरी मिथिकल से कम नहीं है, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है एंड इसने बहुत सारे लेजेंडरी मिथिकल पोकेमोन, सूडो लेजेंडरी पोकेमोन को हरा के रखा है। पर ये बात अलग है, ये 5 लेवल के स्नाइवी से हार गया था। नंबर 6 स्नोरलैक्स, तो इसको लेजेंडरी एंड मिथिकल कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ये जब भी मैदान में उतरता था एक दो पोकेमोन को तो लेके ही जाता था एंड इसने एस वर्सेस गैरी बैटल में तो तबाही मचा दी थी, ये एक पावर हाउस था। नंबर 5 क्रोकोडाइल, तो अदर यूनोवर्जन के पोकेमोन की तरह ही एस ने इसे भी ट्रेनिंग नहीं दी थी, पर क्रोकोडाइल ने खुद ही ट्रेनिंग ली एंड वो इवॉल्व भी हो गया था एंड यूनोवर्जन का एस का बेस्ट पोकेमोन था एंड एक ऐसे ही पोकेमोन था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था यूनोवर्जन में, एंड अगर ये यूनोवर्जन में नहीं होता तो आप सोच सकते हो एस का क्या हाल होता। नंबर 4 सेप्टाइल, एक ऐसा पोकेमोन जिसने मिथिकल पोकेमोन डार्क राय को हरा कर रखा है, जिसको आज तक कोई नहीं हरा पाया था एंड कोई हरा पाया भी नहीं है। अब इसके बारे में और क्या बोलूं, यही काफी है। नंबर 3 इन्फरनेप, तो इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी इतनी ज्यादा तगड़ी थी कि क्या ही बात करूं इसके बारे में। इसने पॉल जैसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन ट्रेनर की आधी से ज्यादा टीम को हरा दिया था। इन्फरनेप अभी तक ब्लेज एबिलिटी में आने के बाद एक भी बैटल नहीं हारा है, तो यही काफी है इसको नंबर 3 पर रखने के लिए। वैसे अब नंबर 2 और नंबर 1 पोकेमोन आप बताओ, जिसके लिए हमारे पास दो चॉइसेस है, जो कि है चार्जर्ड एंड ग्रीनिंजा। एंड अगर मैंने गलती से भी यहाँ पे अपना ओपिनियन दे दिया तो डिसलाइक्स की बारिश एंड हेट कमेंट्स की बारिश हो जाएगी, तो इसलिए आप ही बताओ कमेंट बॉक्स में। तो गाइस बस आज के इस वीडियो में इतना था, अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करके जरूर दबाना एंड यार मिलूंगा ऐसे पोकेमोन के कंटेंट के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।